नमस्कार, स्वागत है आपका क्लाइमेट टीन न्यूज में। बने रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आपके साथ उज्मा मोइन। 8 अक्टूबर की रात यूपी के कन्नौज जिले में करोड़ों रुपयों की हुई सबसे बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। करोड़ों की चोरी को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, पीड़िता का चचेरा भाई व सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी ओवर वाहिनी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष निकला। बहुत बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है कि कन्नौज थाना क्षेत्र की घटना है। अभिषेक कुमार गुप्ता यहाँ के प्रतिष्ठित किराना व्यवसायी हैं। इनका एक पुराना रिहायशी मकान है, उस मकान को ये करीब 6 महीने पहले खाली कर चुके हैं, रहते नहीं हैं, लेकिन उनका सामान वगैरह और सारे कीमती सामान और सारी वस्तुएँ उसी में पड़ी हुई है। अब नए मकान में शिफ्ट कर रहे हैं। तो 8:09 की रात्रि में उनके पुराने मकान में जहाँ उनका सारा बहुमूल्य सामान था, शटर काट करके चोरी की घटना घटित हुई। 9 तारीख को दूसरे दिन शाम को जब इनके परिवार के लोग अपना घर विजिट किए, तो उस समय इनको चोरी की घटना की जानकारी मिली और उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया, क्योंकि बहुत बड़ी चोरी थी, इसलिए इसके खुलासे में हमारे सारे राजपत्रित अधिकारी, कन्नौज की पुलिस, कन्नौज थाने की पुलिस और सर्विलांस टीम वगैरह सब इसमें जुट गए और इसमें थोड़ी थोड़ी लीड हम लोगों को मिलने लगी। इसमें 2 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से भारी मात्रा में सामग्री मिली हुई है जो चोरी की सामग्री थी। अगर हम कहें तो एग्जैक्टली तो 1 किलो 430 ग्राम स्वर्ण आभूषण है, 31 किलो 190 ग्राम चांदी के आभूषण हैं, इसके बाद 16 लाख रुपये कैश हैं और इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है, जो जाली काटी गई थी उसका जो उपकरण है ग्राइंडर वो बरामद हुआ है और इनके पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं और काफ़ी मात्रा में कारतूस, जिंदा और खोखर ये भी बरामद हुआ है। जो असलहे हमारे पास बरामद हुए हैं वो देसी तमंचे हैं 6 और 100 के आसपास ये जिंदा कारतूस है जो अलग अलग बोर के हैं और कुछ खोखे कारतूस भी हैं। तो ये एक सनसनीखेज घटना है और इसका खुलासा हमारी पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ बहुत कम समय में किया है और जो माल इनका गया हुआ था उसकी 100% बरामदगी कर ली है और इस टीम ने जो इतना अच्छा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और दिन रात एक करके जो कामयाबी पाई है, इसके लिए हम इस टीम को 25,000 रुपया अपने तरफ से इनाम दे रहे हैं और व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी हैं, उनके तरफ से बताया गया है कि वो टीम को सम्मानित करेंगे और अपने तरफ से भी कुछ टीम के प्रोत्साहन के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा करेंगे।
कि उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन आज के डेट में तो ये एक विशुद्ध आपराधिक व्यक्ति हैं और इनका आपराधिक पिछला रिकॉर्ड भी है और जो इनका कृत्य है वो अत्यंत निंदनीय और दंडनीय है। हम लोग उसके लिए वैधानिक कार्रवाई करें।